रानी मधुमक्खी। एक दिन भालू बड़े मजे से पेड़ की छांव में बैठा था, तभी उसने देखा कि सामने के पेड़ पर मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता है जिसमें शहद ही शहद है। इतना सारा शहद, अरे वाह, काश ये मुझे मिल जाए, पर कैसे मिलेगा। भालू के मुंह में पानी आ गया। अगले दिन भालू ने हिम्मत कर मधुमक्खी से कहा, कैसी हो रानी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। आपके छत्ते का जवाब नहीं, आप बड़ी मेहनत करती हो और आपकी मेहनत देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या कहा, बात क्या है, साफ साफ कहो भालू। अच्छा, वो आपके छत्ते को देखा तो सोचा अब तो बहुत शहद जमा हो चुका है, किसी दिन कोई दावत रखो, हमें भी बुलाओ, जंगल के बाकी जानवर भी बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो ये शहद कोई चुरा ले। रानी मधुमक्खी बहुत चालाक थी, वो भालू की बातों में नहीं आई बल्कि उसने चतुराई से भालू से कहा, हाँ हाँ भालू भाई, मैं समझ गई, आप क्या कहना चाहते हो। शहद खाने का दिल है आपका, बातें मत बनाओ, मैं सब समझती हूँ। अच्छा, भालू बहुत शर्मिंदा हो गया। तभी रानी मधुमक्खी ने कहा, ये लो भालू भाई, शहद आपके लिए। क्या क्या कहा, मेरे लिए? हाँ आपके लिए, मगर आपको एक वादा करना होगा। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या वादा है। बस आपको हर रोज मेरे घर का ध्यान रखना होगा और मेरे छत्ते की रखवाली करनी होगी, मैं हर रोज आपको शहद खिलाऊंगी। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है रानी जी, आज से मैं आपका सेवक, आपके छत्ते का ख्याल रखूंगा, आप मुझे हर रोज शहद दीजिए। इस तरह रानी मक्खी ने चतुराई से इतने बड़े भालू को अपना सेवक बना लिया। सांप और चींटी। एक बड़े से पेड़ पर एक लंबा सा ताकतवर सांप रहता था। उसके पेड़ के पास चींटियों का बड़ा सा घर था जहाँ सभी चींटियाँ मजे से रहती थी। सांप पेड़ के ऊपर से उन्हें देखता रहता। सांप बहुत शैतान था, वो जब भी अपना शिकार ढूंढने निकलता जानबूझकर अपनी पूंछ से चींटियों का घर तोड़ देता। बहुत भूख लगी है, चलो जंगल की सैर पर निकला जाए, और इन चींटियों को भी कई दिनों से सताया भी तो नहीं, आज ही इन्हें मजा चखाता हूँ। सावधान दोस्तों, देखो वो सांप यहीं आ रहा है, खुद को बचाओ, इस सांप ने तो परेशान कर दिया है, जब भी पेड़ से नीचे आता है हमारे घर को नुकसान पहुंचाता है और पल भर में हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, हमें कुछ करना होगा। हाँ मगर कैसे। मैंने सांप को सबक सिखाने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय, हम कहीं और जाकर अपना घर बनाएंगे। नहीं, हम जहाँ जाएंगे ये वहीं आ जाएगा, हमें इसे सबक सिखाने के लिए कुछ और करना होगा। मैंने कुछ सोचा है। जब सांप वापस लौटा और अपने पेड़ पर चढ़ गया, वहाँ पहले से रानी चींटी अपने सेनापति के साथ पेड़ पर छुप कर बैठी थी। जैसे ही सांप सुस्ताने बैठा और उसने अपनी आंखों को खोला, तुरंत चींटियों ने लाल मिर्च डालकर सांप की आंखों पर हमला कर दिया। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या हुआ, अरे बचाओ बचाओ, ये क्या, मेरी आंखों में इतनी जलन कैसी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, अरे ये कौन है, बचाओ बचाओ।
अब तुम्हें पता चला दूसरों को सताने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? आज तुम्हें भी हम सता के मजे ले रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी चींटियों ने पानी डालकर सांप की आंखों को धो दिया और उसे वादा लिया कि वो कभी चींटियों का घर नहीं तोड़ेगा। मैं वादा करता हूँ इस तरह की शैतानी अब नहीं करूँगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। एक जंगल के पास दो देश के राजाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर सेनाएं अपने अपने राज्यों की ओर वापस चली गईं। लेकिन सेना का एक ढोल युद्ध स्थल पर ही गलती से रह गया। एक दिन आंधी आई और वह बेचारा ढोल लुढ़कता लुढ़कता हुआ जंगल के बीचों बीच एक पेड़ से जाकर जुड़ गया। तेज हवाओं के चलते पेड़ की टहनियां ढोल के इर्द गिर्द जमा हो गई। जब भी टहनी उस ढोल से टकराती तो उसमें से आवाज आती। एक दिन एक सियार ने ढोल की आवाज सुनी। आवाज सुनकर सियार बहुत डर गया और सोचने लगा जरूर कोई जानवर है, पर सियार को कुछ समझ नहीं आया। सियार छुप छुप कर डर के मारे ढोल पर नजर रखने लगा। एक दिन वह देखता है कि लहरी ढोल पर कूद रही है और हल्की सी ढोल की आवाज भी हो रही है। ओह, यह कोई डरावना जानवर नहीं है। सियार धीरे धीरे ढोल तक पहुंचा। वह बहुत डरा हुआ था, उसे ढोल का कोई सिर पैर नजर ही नहीं आ रहा था क्योंकि पेड़ की टहनियों ने उसे बुरी तरह से जकड़ कर ढक दिया था। अब समझ में आया, तो जानवर इस ढोल के अंदर है, जरूर मोटा ताजा होगा, तभी इतनी जोर से आवाज आती है। सियार वापस अपने घर आ जाता है और सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? मैं मूर्ख नहीं हूँ, वह तो एक ढोल के अंदर है। अगर मैं उसे एक तरफ से पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरी तरफ से भाग जाता, इसलिए अब हम दोनों उसे पकड़ने चलेंगे। हाँ, तुम तो बड़े समझदार होते जा रहे हो। मेरे साथ रहते रहते यही ठीक रहेगा। कल सवेरे सवेरे हम दोनों जंगल में जाएंगे। अगले दिन सियार और उसकी पत्नी सुबह सुबह दोनों ढोल के पास पहुंच जाते हैं और दोनों एक एक तरफ से चमड़ी के किनारों को काटने लगते हैं। जैसे ही ढोल की चमड़ी कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ ढोल में हाथ डालकर शिकार को पकड़ना है। घबराओ मत, मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ है ढोल को। दोनों ने यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे, हम तो बुद्धू बन गए। और इस तरह दोनों मूर्ख बन गए। ढोल के अंदर कुछ नहीं था। प्लीज।